Uh, alaikum students. My name is Muhammad Hussain. Hope you all good and today's lecture is all about the guided and unguided media as we are studying networking topic and our subject name is introduction to computing. So here is the next slide. लेट रिलेटेड विद हाउ कंप्यूटर कनेक्टेड टाइप ऑफ डिवाइस टाइप ऑफ मीडिया एंड टाइप ऑफ वायरस कोशिश करेंगे इस चीज को समझने की नक्स स्लाइड हमारे पास कह रही है कि अगर दो बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हो आप कहेंगे ठीक है ये बहुत इजीली हो सकता है ठीक है बात कर सकते हैं बात तो बड़ा इजी है कि वो कम्युनिकेशन कर पाए क्योंकि बहुत करीब होते हैं एक दूसरे से बात करना इजी हो जाता है बाकी जिससे मैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस कर देते हैं उसके साथ तो हो सकता है वो अब थोड़ा सा बात इजीली ना कर पाए थोड़ा तो उनको ज़ोर से बोलना पड़े अगर मैं कहता हूँ कि इनको रिप्लेस किया जाए कंप्यूटर के साथ तो कंप्यूटर के एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन करेगा कैसे बातचीत करेगा क्या दूसरे को डेटा शेयर कर पाएगा डेटा के लिए डेफिनेटली हमारे पास कोई मीडियम होता है कोई जरिया होता है ठीक है अब ये उसे तरीके से बात करें यहां पर एक वायर यूज करते हैं और ये वायर क्या करेगी जो है वो कनेक्ट कर देगी इस दूसरे पीसी के साथ जब कनेक्ट हो जाएगी तो ये डेटा शेयर कर सकेगा आप समझ रहे बात ये जो डेटा मतलब तभी शेयर पा कर पाएगा जब ये ये वायर दूसरी वायर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी तभी ये डेटा को शेयर कर पाएगा फोल्टर शेयर कर पाएगा कोई फाइल शेयर कर पाएगा यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास अच्छा ये जो शेयरिंग हो रही है असल में क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर है उसके पास एक अंदर एक और जो है सर्किट लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं लैंड कार्ड हम इसे लैंड लैंड भी कह रहे होते हैं हमेशा एन आई सी भी कह रहे होते हैं आगे जाके पढ़ते हैं ये है क्या कि हम अगर आप बात करना चाहते हो करना चाहते हो तो क्या होता है ये आपके पीसी में होना लाजमी है और ये दूसरे पीसी के पास भी होना लाजमी है क्योंकि यहां पर आपकी वायर लगेगी और इसी तरीके से कॉन्टेक्ट हो सकेगा मतलब नेटवर्क बन सकेगा तो नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा और समझने की तो इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि भाई ये दो डिस्टेंस पे दो बंदे बैठे हैं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मगर डिस्टेंस ज़्यादा है चले फिर भी इतना परेशानी नहीं होगी पर अगर और ज्यादा मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया तो हो सकता है अब इसमें अंदर वो बात एक दूसरे को ना कर पाए और अगर मैं आपसे एक और कंडीशन रखूँ कि ये बंदा चाइनीज है दूसरा बंदा जो सिंधी बोल रहा है अब यहाँ पर और प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब तो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे भले ऐसा करते हैं कि ये जो तीसरा बंद दूसरा बंदा है हमारे पास उसको सिंधी उर्दू तब भी आप बोलेंगे नहीं कम्युनिकेशन हो पाती क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही चेंज है तो हम अब हमें क्या करना चाहिए अब हमें हमें एक तीसरा बंदा काम कर रहा होगा और ट्रांसलेटर तभी होगा जब इसको चाइनीज तो सिर्फ इसको चाइनीज नहीं आएगी बल्कि इसको सिंधी इंग्लिश उर्दू भी आएगी जिसकी वजह से हिंदी की बात सुन पाएंगे और दूसरे बंदे को समझा पाएगा उस लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ ये दोनों ही चाइनीज वो समझ सकते हैं ये भी चाइनीज समझ सकता है ये बंदा भी चाइनीज समझ सकता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है डिस्टेंस बहुत दूर है तो भी इस बंदे की जरूरत पड़ने वाली है क्यों पड़ने वाली है क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए तो ये ट्रांसफर कर पाए वो डेटा जो ये दूसरे को भेजना चाहते हैं क्लियरली भेजना चाहते हैं असल भी मिसाल मैंने कंप्यूटर के देने के लिए दी है तो समझने की कोशिश करते हैं क्या मकसद है इस मिसाल का उसको मैं रिप्लेस कर दूं तो पीसी वन पी सी हमें पता है ये दोनों मशीन लैंग्वेज है ये दोनों मशीन लैंग्वेज ही समझती हैं तो न भी मशीन लैंग्वेज समझती है और पीसी टू भी मशीन लैंग्वेज समझती है मगर क्योंकि ये लेट सपोज समझें कि ये कैनेडा में पड़ा हुआ कंप्यूटर ये पाकिस्तान में पड़ा हुआ है तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि जो एक वायर है वो मेरे पीसी से निकली और जो फेसबुक में एक्सेस करना चाहता हूँ लेटर सपोज और लेटर यू एस ए में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है जहाँ पर फेसबुक की वेबसाइट पड़ी हुई है ऐसा नहीं हो सकता मेरे कंप्यूटर से वायर निकल के जो है फेसबुक वाले उस मार्क वाले कंप्यूटर पर कनेक्ट है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो हमारे पास जो है डिफरेंट uh, जो हैं वो डिवाइसेज इस्तेमाल हो रहे हैं बीच में इधर जो क्या कर रहे हैं जो तो हमारे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं और डेफिनेटली वो मशीन लैंग्वेज जीरो वन की लैंग्वेज को भी समझ रहे हैं तो हमारे पर डिफरेंट टाइप के मशीन हमारे पर डिवाइसेज आ जाएंगे क्योंकि अब हमारी बात थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि हमारे पर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिवाइसेज भी उस हिसाब से काम करेंगे जैसे मैंने कहा आपको अगर कोई चीज़ देनी हो लेट सो आपको कोई पार्सल हो जो यू एस या चाइना भेजना हो तो डेफ़िनेटली आप क्या करेंगे अब आप चल के नहीं जा सकते अगर पड़ोस में होता तो जा सकते थे चल के जा सकते थे मगर पड़ोस से अब ये बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर जा रहा है तो आपको कोई दूसरे व्हीकल ढूंढने पड़ेंगे जो कि उस डिस्टेंस ले जाए आपको इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की एक दूसरे से बात करने की मगर एक कम दूसरी जगह पर पड़ा हुआ है किसी यू एस ए में और पाकिस्तान में कहीं पड़ा हुआ है दूसरा कंप्यूटर तो अब हमें डिफरेंट डिवाइज यूज़ करनी पड़ेंगी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए तो हमने कहा कि हमारे तो हमें कहाडिया हो जाएगा कि अब हमारे पास किस तरीके की नोयत की डिवाइस आने वाले हैं और हमें किस तरीके से नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो तो हमारे पास, पास कंप्यूटर है हमारे, हम हमारे पास उसमें अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमने कहा कि हमारे वायर की जरूरत पड़ती है जो हम डेटा को एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर वो डिफरेंट डिवाइसेस डिवाइसेज होता है वो हमारे पास आता है ये हमारे पास कंप्यूटर है आप ये देख रहे होंगे आपके कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप डिफरेंट पोर्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट पोर्ट है ये पोर्ट्स क्या कहलाती हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं इस पोर्ट को हम नॉर्मली कह रहे होते हैं सीरियल पोर्ट या हम कह रहे होते हैं पी एस पोर्ट तो ये जो पी एस टू होती है पोर्ट रिप्रेजेंट की जाती है कि माउस के लिए और ये सीरियल जो गोल होती है नॉर्मली तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माउस और कीबोर्ड के साथ अगर आप, आप जाएंगे मार्केट आप बोलेंगे कि मुझे सीरियल टाइप के माउस की दो तो उसे पता चल जाएगा आप क्या कह रहे हैं यहाँ आप कहोगे तो मुझे तो पी एस टू कनेक्टर चाहिए उस टाइप के माउस चाहिए तो वो समझ जाएगा कि ये आप किस टाइप के पोर्ट की या किस टाइप के कनेक्टर की बात कर रहे हो इसी तरीके से अगर आपने पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइप की जो निशानी रिप्रेजेंट कर रही है एक पोर्ट को जो हम कहते हैं यूएस पोर्ट तो ये डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं यहाँ पर भी हमारे पास एक पावर का होता है ठीक है उसी तरीके से हमारा मोनिटर का होता है बहुत सारे पोर्ट होते हैं मगर हम किसमें इंटरेस्टेड है हम इंटरेस्टेड है इंटरनेट कनेक्शन वाले में इंटरनेट कनेक्शन वाली पोर्ट रिप्रेजेंट की जाती है इस तरीके की इस पोर्ट को हम दूसरा नाम देते हैं इथरनेट पोर्ट या लैंड पोर्ट ठीक है तो इथरनेट पोर्ट ज्यादा ज्यादा मशहूर होती है कि भाई इथरनेट पोर्ट हमारी पे वहां पर पिन लगाओ क्योंकि ये जो इथरनेट पोर्ट आप देख रहे हैं ये पोर्ट असल में अंदर जो डिवाइस लगा हुआ है ये लगा हुआ है इसको हम लेन कार्ड कहते हैं या लेन अडाप्टर कहते हैं या एन कहते हैं एन का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर तो असल में ये डिवाइस है उसकी जो बैक है वो आपको यहाँ दिख रही है तो ये जो है डिवाइस असल में इथरनेट होता है ये रीज़न बनता है आपका इंटरनेट से कनेक्ट करवाने का नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं यहाँ पर एक पिन लगती है नॉर्मली आपके पीसी में यहाँ पर इथरनेट लगा हुआ है देखिए आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं इस स्लाइड में ये पिन जो ये पोर्ट है बेसिकली तो इसमें अंदर इंसर्ट होने वाली पिन ये होती है इस टाइप की वो पिन होती है जिसको हम आर जी फोर्टी फाइव कहते हैं और इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है ये पिन आपके इसमें लगती है कंप्यूटर में लगती है और उसकी दूसरी साइड है वो आपके किसी पीटी से राउटर में लग रही होती है तो इस तरीके से आप वायर्ड कनेक्शन कर सकते हैं मगर ज्यादा नॉर्मली अब लोग जो हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं मगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कोशिश करेंगे पहले समझने की कि वायर्ड कनेक्शन क्या कहलाते तो कैसे कर सकते हैं तो हम तो वायर्ड कनेक्शन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे कंप्यूटर में ये पोर्ट होगी और डेफिनेटली ये पोर्ट बुलटन ही दी गई होती है बुलटन मतलब ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में होती है तो इस पोर्ट को हम जो है इथरनेट पोर्ट कहते हैं और ये इस टाइप के वायर जरूरत होती है कनेक्ट करने की और इस वायर का नाम होता है ट्विस्टेड पेयर ठीक है आगे जाके इसके बारे में ही पढ़ते हैं कि हमारे वक्त किस टाइप की वायर यूज़ होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं आपको कंप्यूटर में अगर एक कंप्यूटर कनेक्ट करना है अगर आपके कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए जैसे मैंने कहा आपके पास जो है ये पोर्ट होनी चाहिए ठीक है ना मतलब ये लैंड कार्ड होना चाहिए तो आपके पास भी हो और क्या होगा एसपीसी के पास भी ये लैंड कार्ड होगा और आपके पास क्या होगा अब ये वायर होगी तो कनेक्ट हो जाएगी ठीक है वायर होगी तो ये दुण एक दूसरे कनेक्ट हो जाएंगे डेटा शेयर कर पाएंगे इसी तरीके से वो डेटा को शेयर कर पाएगा इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मुझे अब दो पीसी कनेक्ट करने हैं तो परेशानी बढ़ जाएगी अब मैं कहूंगा कि मेरे जो इस वाले पीसी है उसके पास कितनी पोर्ट होनी चाहिए अब एक पोर्ट से काम नहीं चलेगा मेरे पास दो पोर्ट होने चाहिए इसका मतलब दो पोर्ट का मतलब ये होगा कि आपके पास दो लेंड कार्ड होने चाहिए आपके पीसी में ठीक है ना दो लैंड कार्ड का मतलब ये होगा कि आपका जो दो लेंड कार्ड होगा तो आप एक कंप्यूटर से इससे कनेक्ट करेंगे और दूसरी पोर्ट के साथ आप क्या करेंगे इसको कनेक्ट करेंगे ठीक है इसी तरीके से आप इसकी डेटा इसको भेज पाएंगे और अपनी अप डेटा इस वाले पीसी को भी भेज पाएंगे तो मतलब जितने ज्यादा पोर्ट होंगे उतने ज्यादा आप अपने कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएंगे यही बात हुई तो हमारे पास नॉर्मली ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये हमारा मधरबोर्ड है पोर्ट या सीरियल माउट पोर्ट लगा पड़ा है यहाँ पर तो ये हमारे पास शो कर रहा है एक मधर बोर्ड और ये हमारे शो कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसका सर्किट डिज़ाइन कैसा होता है लैन का या हम एनआईसी का और अगर मैं कहूं कि मेरे पीसी दो टाइप के पोर्ट चाहिए तो अब हमारे पास दो टाइप का जो है जो हमें एल एन का लेना पड़ेगा जिसमें दो पोर्ट्स होनी चाहिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखा इस स्लाइड में बता रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपको कि बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं जब आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हो कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं नेटवर्क बनाने के लिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फर्दर डिवाइड किया गया है एक कम्युनिकेशन मीडिया में और एक नेटवर्क डिवाइसेस में ठीक है तो कम्युनिकेशन मीडिया से क्या मुराद है गाइडेड और अनगाइडेड से क्या मुराद है इसको समझने की कोशिश करते हैं मगर अभी हम डिवीजन देखते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया ठीक है और गाइडेड मीडिया और फर्दर डिवाइडेड है हमारे पास डिफरेंट टाइप के और डिवाइज़ में जिसका हम एन दे दिया जो आपने अभी पढ़ा भी था थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में बताया था रिपीटर हो गया हब हो गया ब्रिज हो गया स्विच राउट और गेट तो हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट लाइन में इसका मतलब क्या होता है उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो एन हम बात कर रहे हैं ये ये हमारे हमारे पास पास टाइप की मीडिया है। ये हमारे पास मीडिया है गाइडेड लिखा हुआ है ठीक है तो गाइडेड मीडिया क्या होता है हम आगे जाके पढ़ते हैं इसके बारे में पहले से एनआईसी के बारे में पढ़ते हैं ये एनआईसी है क्या इसके अंदर तीन नाम हमारे पास सेनो में भी आए हैं लेन एडाप्टर एनआईसी नेटवर्क इंटरफ्रेंस कंट्रोलर और एक लैंड कार्ड तो ये कंप्यूटर जो हमारे पे नॉर्मली कंप्यूटर में क्या होता है ये बिल्ट-इन दिया गया होता है बिल्टन ही होता है आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती हालांकि पहले इसको लेने की ज़रूरत पड़ती थी मगर अब हमारे पास जो है ये कंप्यूटर में इनसाइड बिल्ट-इन आ जाता है उसके बाद ये होता क्या ये सर्किट देख रहे हैं अभी ग्रीन कलर का एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर या बहुत सारे आईसीस अटैच हैं ये क्या करता है ये असल में ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा जो ये जो सर्किट है वो असल में आपके कंप्यूटर में बहुत सारे स्लॉट्स होती हैं आपके कंप्यूटर में स्लॉट के जरिए ये इंसर्ट होता है ये दूसरे टाइप का बना हुआ है इसी तरीके से ये करता क्या है ये असल में आपको प्रोवाइड करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन ठीक है ना आपको नेटवर्क पे जाना है आप नेटवर्क यूज करना चाहते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर में एन होना चाहिए या आपके लैपटॉप में एन होना चाहिए ठीक है तो ये आपको आपको प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी चलिए इस स्लाइड में बता रहे हैं कि डेटा मूव टू तो द डेस्टिनेशन डेटा को मूव करवाना चाह रहे हैं कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन दे। इसका मुराद क्या है जैसे मैं आपसे कहूं क्या एक पैकेट है आपके पास जो आप चाहते हैं कि किसी एरिया में जाके उसको डिलीवर किया जाए तो डिलीवर करने के लिए आप क्या करेंगे या लेट सपोज आपको इस्लामाबाद उस चीज़ को डिलीवर करना है तो डेफिनेटली आप नहीं जा पाएंगे आप चाहेंगे कोई बीच में कोई ऐसी सर्विस यूज़ करूँ कि वो उसको जल्दी से एक दिन में दो दिन में अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे प्रोवाइड वहाँ पर पहुँचा दे तो हम यूज़ करेंगे कोरियर सर्विस प्रोवाइडर को वो क्या करेगा अपने व्हीकल को यूज करते हैं अगर तो पर्टिकुलर लोगों के पास वो भेज देगा जिसको आप चाहते होंगे तो ये तो हम यूज करेंगे कॉरियर सर्विस प्रोवाइडर को जो क्या करेगा आपकी डेस्टिनेशन के मुताबिक वहां पर वो कॉरियर को डिलीवर कर देगा अगर बहुत बहुत सारे हमारे पास कोरे ऐसे भी होते हैं जो बाहर भेजने होते हैं जैसे हो सकता है आपने अली एक्सप्रेस से कोई चीज़ मंगवाई हो तो वो डेफिनेटली आपके जो है वो गाड़ी में तो नहीं आने वाली चीज़ें मतलब कहने का वो बाहर से आएंगी तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मटेरियल हो तो काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हर चीज़ जो है कोर सर्विस में बाय जो है रोड नहीं जा सकती बाय प्लेन भी आ सकती हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बाय बायपल आ रही हैं तो हमें पता चला कि डेटा को सेंड करने का सेंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और तरीके भी हमारे पास इस लाइन में बताया जा रहा है कि डेटा को मूव करवाना है हमें सोर्स टू तो डेस्टिनेशन तो ये पॉसिबल है एक वायर के जरिए भी और वायरलेस के जरिए भी डेफिनेटली आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे होते हो आप कंप्यूटर में गूगल डॉट कॉम खोल रहे होते हैं यूट्यूब खोल रहे होते हो तो आपको ये पेज कैसे खुला ये डेटा कैसे शो हुई या तो आपने वायर के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ था या तो फिर वायरलेस के जरिए कम्युनिकेशन की हुई थी तो हम नेशनलैंड भी आते हैं नेशनलैंड में लिखा हुआ है कि हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया मतलब आपने मीडिया यूज किया कोई मीडियम यूज किया वो मीडियम वायर था या फिर वायरलेस था तो जो हमारे पास वायर्ड होते हैं या वायरलेस होते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं या, या ये ये जो फॉल डाउन करते हैं वो करते हैं गाइडेड मीडिया एक होता है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया तो जो मीडिया की मतलब है या चैनल का मतलब होता है यहाँ पर वायर या वायरलेस को जो तरीके से आप चीजों को भेजना चाहते हैं तो वायर भी हो सकता है वायरलेस भी सिग्नल हो सकते सि� हैं और जो ये बात कर रहा है कि गाइडेड मीडिया गाइडेड मीडिया से मतलब होता है केबल ठीक है और अनगाइडेड मीडिया से होता है कि वायरलेस के जरिए आप डेटा को भेजें ठीक है ना वो बाउंड नहीं है ठीक है वो फिज़िकल बाउंड नहीं है क्योंकि आपके केबल फिजिकल हाथ में पकड़ सकते हो उसको तो ये फिजिकली रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसको फिज़िकली रिप्रेजेंटेशन को हमने गाइडेड में डाल दिया है और जो हमारे पास अनगाइडेड है हम हमने उसको क्या कर दिया वायरलेस वाले ग्रुप में डाल दिया है तो जो हमारे पास बाउंडेड मीडिया है वो कौन कौन सी टाइप के की मीडिया है हमारे पास चाहे कॉक्जिकल कैबल है हमारे पास इस तरह पेयर केबल्स हैं और इस तरह फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं ये हमारे पास कहलाती हैं बाउंडेड वायर्ड ठीक है मीडिया इसको देखते हैं और अगर आपने नोट किया ये कॉक्सिकल वायर की रिप्रेजेंटेशन होती है और अगर आपके घर में, में केबल टीवी है पीछे वायर लगी होती है उस टाइप की वायर लगी होती है पर जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये पहली वायर जो है इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये अगर आपने ऑब्जर्वेशन में होगी तो ये बड़ी थिक वायर होती है और बड़ा डिफिकल्ट होती है इसको मूव करना और उसको उसको मोड़ना तो ये बड़ा इरीटेड काम होता है मगर क्योंकि पहले इस्तेमाल होता था इंटरनेट इंटरनेट की डेटा को सेंड करने के लिए तो डेफिनेटली इसको हमने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से मगर अब ये यूज नहीं होती मगर आपको पता होना चाहिए कि कोकल वायर जो केबल है वो पहले इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की गई थी उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाम ट्विस्टेड पेयर केबल का ट्विस्टेड पेयर केबल का जो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके की होती है इस तरीके की वो शो होती है उसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें चार पेयर हैं एक दो तीन चार और हर पेयर के पास दो दो चीजें देख रहे हैं पेयर का मतलब ही दो चीजें होती है दो वायरस के साथ हैं दो वायरस के साथ है दो वायरस के साथ अटैच हैं दो वायर के साथ अटैच है मगर आप देख रहे हैं ये वायर एक दूसरे का ट्विस्ट लगी पड़ी है और ये ट्विस्ट इसलिए होती है क्योंकि जब इसमें से करंट पास होता है जब इसमें से करंट या वोल्टेज पास होते हैं तो ये डेफिनेटली एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करने से हो सकता है नॉइज ज्यादा हो जाए और इस तरीके से वो सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाए तो ये ट्विस्ट पेयर करने से नॉइस क्रिएट कम होता है इसी तरीके से हमारे पास थर्ड आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली ये आपके रिप्रेजेंटेशन है उसकी फाइबर ऑप्टिक केबल की ये जो है आपकी जो लाइट है उस पर काम कर रही होती है बड़ी फास्टेस्ट होती है आपकी जो इंटरनेट घर पे है वो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक की रीज़न की वजह से ये समुद्र के अंदर बिछाई जाती है मैं आपको इसको ओवरऑल बताऊँगा एक वीडियो में कि भाई ये जो है आपके पास इंटरनेट बेसिकली कैसे काम करता है आपके पास ये जो वेबसाइट खुल रही है वो कैसे खुल रही है तो ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आपके यहाँ इंटरनेट कैसे काम करता है चलिए नेक्स्ट चले ने चलते हैं जो कॉक्जिकल कैबिल है उसके जो कनेक्टर हैं वो इस तरीके के होते हैं उसके कनेक्टर को हम कहते हैं बी एंड सी कनेक्टर इसका नाम ब्योनेट नैल कल मैन भी कहा जाता है कनेक्टर कहा जाता है मगर इसको गलती से मिस्टेकली ये भी कहा जाता है ब्रिटिश नावल कनेक्टर और ब्योनेट बोनेट नट कनेक्टर टाइप ऑफ कनेक्टर यूज टू कॉग्जिकल कैबिल लिखा हुआ है सच एज ठीक है इस केबल का नाम है तो ये टेन बेस टू मतलब होता है कि मतलब 200 मीटर तक ये बहुत अच्छी तरह का चल सकती है इसका मतलब ये हो जाता है तो ये आप समझिए इस टाइप का कनेक्टर आपके पहले आपके समझे कि ये बेसिकली आपका लेन कार्ड था पहले जिसको पीसी में था और पीसी के साथ वो किस टाइप की अटैच होती थी इस टाइप की वो अटैचमेंट हो रही होती थी मगर क्योंकि अभी पी में आप नहीं देखेंगे इस टाइप की जो है कनेक्टर क्योंकि ये पहले यूज होते थे अब हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर जो केबल है हमारे पास इस तरीके की वायर है और ये कॉपर की वायर बनी होती है ठीक है और इसके पास जो है डिफरेंट टाइप की हमारे पास वायर आती हैं हम ये एक होती है यूटीपी एक होती है एस यू टी यूटी का मतलब होता है अन ट्विस्टेड पेयर और ये कहलाती हैं तो ये फॉल डाउन करते डिफरेंट और कैटेगरीज में जैसे ये कैट फाइव ई है ठीक है कैट कैट ए केट सेवन है डिफरेंट टाइप के ये यहाँ पर इसमें ट्विस्टेड पेयर में आपको देखने को मिलता है उसमें मकसद ये होता है कि ये जो है डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट उसकी लेंथ होती है जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ कि हाँ जैसे इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा होगा तो जैसे आपको कैट वन है वो कहाँ तक तो वो जो स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी तो कैट वन जो है वो आपको डेटा रेट देती है वन एम की इस तरीके से आपको जो है कैट टू की एक रेंज है वो आपको जो डेटा प्रोवाइड करेगी जो आपके पास स्पीड आएगी वो आएगी फोर एम बी ठीक है ना इसी तरीके से कैट थ्री और टेन एम बी इस तरह बढ़ते बढ़ते आपको अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस टाइप की वायर भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी वरना वो स्पीड वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी इस तरह आपको पता होना चाहिए कि जो अगर कैट सिक्स है तो टेन जी की डेटा वो लेके आ डेटा रेट दे सकती है तो ये कैटेगराज को फॉल डाउन किया गया है रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जो हमारे वायर थी ट्विस्टेड पेयर वाली उसके साथ जो कनेक्टर लगे होते हैं हम कहते हैं इसे आर जे फोर्टी फाइव ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं बेसिकली यही कनेक्टर आपके जो है लेन कार्ड में लग रहे होते हैं आपके लेन कार्ड में इसी टाइप के कनेक्टर लग रहे होते हैं हम इसे कहते हैं आर जे फोर्टी फाइव कनेक्टर्स तो ये आर जे फोर्टी फाइव कनेक्टर इसमें लग रहे होते हैं और आप अगर नोट किया हो अगर आपके पास पी टी एस का राउटर हो तो आपने कहा देख रहा होगा दो टाइप के इस तरीके के कनेक्टर शो हो रहे होते हैं मगर एक बिल्कुल छोटा होता है तो आर जे इलेवन होता है वो डायलप जो आपके जो आपके घर में टेलीफोन होगी उसके साथ कनेक्ट होता है और दूसरा जो उसके साथ थोड़ा बाइज साइज में बड़ा होता है वो आर जे फोर्टी फाइव होता है अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर वायर के जरिए कनेक्शन करना तो डेफिनेटली आप इस पोर्ट को यूज़ करोगे थैंक यू स्टूडेंट्स आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस लेक्चर इजी फॉर यू इफ दिस हेल्प इन एनी वे एंड इंक्रीज योर नॉलेज प्लीज हिट द लाइक एंड मुझे मुझे बताइएगा कमेंट में या जब हमारे नेक्स्ट सेशन हो उसमें बताइएगा कि आपको ये आज का वाला टॉपिक समझ में आया नहीं आया थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़